नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं आपके लिए भारत के कोने कोने से चुन चुन कर नए नए बिजनेस वीडियो लाती रहती हूँ। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आ गई नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आई हूँ जिसे लगाकर आप महीने के 2 लाख, 4 लाख, यहाँ तक कि 10 लाख का महीना कमा सकते हो। और हाँ दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो अंत जरूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो आपने देख लिया, YouTube पर आपके लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आप हमारे चैनल को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मैं शिल्पी सिंह, आपका स्वागत है ट्रायंगलिटी में। तो चलिए आपको नया सीखते हैं। हेलो मैम जी। हेलो मैम, सबसे पहले आप हमारे नाम अपनी कंपनी पर बताइए, अभी कंपनी कहाँ पर है, जिससे उन्हें आने में कोई दिक्कत ना हो। मैम, मेरा नाम सोनिया राठौर है जी मैम, और मैं जेके टाइल मशीनरी की सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ जी। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। और कंपनी के बारे में आपने पूछा, तो मेरी कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मेरी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जी मैम। मेरी पहली यूनिट है हैदराबाद, दूसरी है मेरी आसाम, और तीसरी है मेरी उड़ीसा, और चौथी है मेरी बेंगलोर, और ये मेरी हेड ब्रांच है, नोएडा मेरी हेड ब्रांच है, जो कि 35 साल से है इस फील्ड में जी। तो मैम, आप हमारे व्यूअर्स ये बताइए, आपने कंपनी कौन कौन सी मशीनों डील करती है? मैम, मेरी जो कंपनी है वो सभी मशीनों में डील करती है। अगर मशीन के बारे में आपने पूछा है, तो सबसे पहला है पेवर ब्लॉक मेकिंग मशीन, दूसरा है आपका होलो सॉलिड ब्लॉक मेकिंग मशीन, और तीसरा है आपका फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन। इस तरीके की सभी मशीनें जो है मेरी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है जी। तो मेरे सामने सोने डॉक्टर मैम जी खड़ी हैं, ये आपको बताएंगी पेवर मशीन का बिजनेस कैसे करा जाता है। तो मैम, आप मैं भी उसके बताइए, इस बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है जी। अगर मैम आप अगर पेवर ब्लॉक का ही बिजनेस के बारे में अगर आप पूछना चाहती हैं, तो एक पेवर ब्लॉक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ब्लॉक्स, पेवर ब्लॉक्स बनाने के लिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये वाइब्रेशन टेबल की जरूरत होती है, ये वाइब्रेशन टेबल की जरूरत होती है। दूसरा आपका ये जो है कंक्रीट मिक्सर है, इस कंक्रीट मिक्सर की जरूरत होती है। और तीसरे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पैन मिक्सर है, इन पैन मिक्सर की जरूरत होती है। उसके बाद में आप देखेंगे ये पीवीसी प्लाई की जरूरत होती है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे मेरी जो गाड़ी है, ये अभी जा रही है, और इसमें पूरा आपका पेवर ब्लॉक मेकिंग मशीन का पूरा सेटअप इस गाड़ी में जा रहा है। तो ये जो लोड हो रही है, ये हो रही है आपकी पीवीसी प्लाई, जिन पे ये ब्लॉक्स को जो है स्टैकिंग किया जाता है। दूसरे आपके ये जो मोल्ड्स हो गए, और बाकी आपकी जो है केमिकल हार्डनर हो गया, कलर हो गया, इन सभी चीजों की, इस सेटअप की स्टार्ट करने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत होती है। मैम, अगर हमारे को 10 बिजनेस शुरू करता है, उसके लिए रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन वगैरह कैसे करेगा वो? अगर मैं बताना चाहूँ, अगर कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो मशीनरी और ऑक्सिलरी आइटम्स तो सब मैं उनको प्रोवाइड करवाऊंगी अपनी कंपनी से। ऑक्सिलरी आइटम्स में मैंने जैसे अभी आपको पीछे भी बताया है, पीवीसी प्लाई हो गई, मोल्ड्स हो गए, कलर हो गया, केमिकल्स हो गई, और ये सारी मशीनें हो गई, ये मेरी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरर करती है। और रही बात सीमेंट, सैंडस्ट या एम सैंड या गिट्टी, वो सब आपको आसानी से अपने ही गाँव या शहर में आसानी से मिल सकता है। अच्छा मैम, तो मैम इसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी? देखिए मैम, इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये टेंडर मिला है या प्राइवेट, क्योंकि दोनों ही सेक्टरों में पेवर ब्लॉक की जरूरत होती है। आप कहिए प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। मैम, ये जो मैं मशीन देख रही हूँ, इस मशीन के पेवर ब्लॉक बनाया जाता है या कुछ और भी ब्लॉक बनाए जाते हैं? जैसा कि ये मशीन आपने मैम अच्छा पूछा, और एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, इस मशीन से केवल पेवर ब्लॉक्स ही नहीं बनाए जाते। इस मशीन से जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चेकर टाइल्स भी बनाई जाती हैं, ये रूफ टाइल्स भी बनाई जाती हैं, और ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, ये कवर ब्लॉक्स भी बनाए जाते हैं। और थोड़ी सी जानकारी मैं एक्स्ट्रा आपको देना चाहूँगी कि इसी मशीन का एक और पार्ट है, जो कि है प्री कास्ट स्प्रिंग सस्पेंशन टेबल, वो इसी मशीन का पार्ट है। उससे आपने देखा होगा, जैसे पार्किंग्स में आपने देखा होगा, पार्किंग एरिया में जो सीमेंटेड चेयर है, जैसा कि ये सीमेंटेड चेयर है, ये बाउंड्री वॉल्स है, ये ट्री गार्ड्स है, ये जो हैवी ड्यूटी के जो ब्लॉक्स होते हैं, वो स्प्रिंग सस्पेंशन टेबल पे बनाए जाते हैं। अच्छा मैम, इसी स्प्रिंग सस्पेंशन टेबल पे जी मैम। अच्छा मैम, तो मैम आप हमें दोस्तों ये बताइए, इन ब्लॉक्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए मैम, ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, इन ब्लॉक्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इन ब्लॉक का यूज किया जाता है आपका जो ये जो पेट्रोल पंप होते हैं, आपने रोड पे देखा होगा, पार्किंग एरिया में देखा होगा,
जो फुटपाथ बने होते हैं पैदल मोहल्ले में, जैसे वहाँ पे भी देखा होगा, गली मोहल्ले में भी देखा होगा, आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा, आपने आर्मी कैंप में भी देखा होगा, बहुत सारी जगह है जहाँ पे इन पेवर ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। अच्छा मैम, एक विंडसोल लगाने पर हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं? जैसे कि इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको जो ऑर्डर मिला है क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर से मिला है या प्राइवेट सेक्टर से मिला है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। मैम आप मुझे एक बात और बताइए, पेवर ब्लॉक होता क्या है? जैसा कि मैम आपने अभी पूछा कि ये पेवर ब्लॉक क्या है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेवर ब्लॉक है, ये सारे पेवर ब्लॉक है अलग अलग डिजाइन में और अलग अलग शेप में। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी दी इस प्लांट को लगाने की, उससे पहले यदि कोई ये प्लांट को चला रहा है और किसी को भी इन मोल्ड्स की जरूरत है तो आप मोल्ड हमसे ले सकते हैं, अगर आपको कलर की जरूरत है तो आप हमसे कलर ले सकते हैं, अगर आपको पीवीसी प्लाई की जरूरत है तो आप पीवीसी प्लाई ले सकते हैं, अगर आपको केमिकल की जरूरत है तो आप केमिकल भी ले सकते हैं, क्योंकि हम केमिकल भी खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारा खुद का एक सिंथेसाइजर रिएक्टर प्लांट है जो कि हम केमिकल भी खुद बनाते हैं। तो मैम मेरे कहने मतलब ये सारे ब्लॉक्स इसी मशीन से बनाए जाते हैं? जी, इसी मशीन से अलग अलग तरीके के अलग अलग डिजाइन में अलग अलग शेप में सारे जो पेवर ब्लॉक्स होते हैं वो इसी टेबल पे बनाए जाते हैं। ठीक है मैम जी। तो मैम जैसे हमारा कोई दर्शक इसका बिजनेस करना चाहता है तो आपके यहाँ दिल्ली भी, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी है, जैसे बहुत से व्यूअर्स हमारे बाहर के भी हैं। मैम हमारी पूरे पैन इंडिया में हम लोग काम करते हैं। अच्छा। इंडिया से बाहर भी, विदेशों में भी, जैसे हमने काफी जगह काम किया, आपका नेपाल है, भूटान है, मोरक्को है, इंडोनेशिया है, काफी जगह पे। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया, मतलब आप बाहर भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया है आप? ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी आप ले जा सकते हैं। तो चलिए मैम आप मुझे ये बताइए ये ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं, इसका लैब डेमो करके दिखाइए हमारे दर्शकों को आप। हाँ बिल्कुल, मैं आपको सारी जानकारी अभी दे देती हूँ इसकी, कि किस तरीके से ब्लॉक को बनाया जाता है और इसका क्या प्रोसेस है। चलिए देखिए। चलिए मैम, जैसे हमारे को 10 की मशीन खरीदता भी है तो आपकी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट क्या रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मैम हमारी तरफ से हर तरीके से सपोर्ट रहेगा, कस्टमर को पूरा ट्रेनिंग उनको दी जाएगी किस तरीके से ब्लॉक बनाए जाते हैं,
प्लस मशीन की पूरी गारंटी वारंटी रहेगी, मोटर की पूरी गारंटी वारंटी रहेगी, उनको किसी भी सामान की जरूरत रहे कस्टमर को पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से, जैसे कि उनको पूरी ट्रेनिंग देना हो गया, मशीन की पूरी गारंटी वारंटी हो गई, या उनके मशीन में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसके लिए हम 24 घंटे उनके लिए तैयार है। अगर उनका कोई भी सामान खत्म हो जाता है वो कभी भी हमें फोन करके अपना कोई भी ऑक्सिलरी आइटम्स मंगवा सकते हैं। जी मैम, तो जैसे मैं वहाँ कोई 10 मशीन खरीदता भी उसे यहाँ आना पड़ेगा तो या घर बैठे मशीन मंगा लेगा? देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी 99% जो कस्टमर्स है हमारे वो ऑन कॉल ही हो जाता है हमारा, 99% काम तो फोन पे ही हो जाता है, फोन पे ही पूरी बुकिंग हो जाती है। 1% हम कह सकते हैं अगर तसल्ली करना चाहें तो बिल्कुल हमारी कंपनी में आ सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको मैं दोबारा बता देती हूँ, अभी जो बिहार मेरी गाड़ी जा रही है या बिहार से जो मेरे क्लाइंट आए हुए हैं उनका ये 4th प्लांट जा रहा है। तो थैंक यू मैम, सोनिया मैम आपने हमारे व्यूज बहुत अच्छी जानकारी दी इस बारे में, आपका बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं भी अब इस वीडियो को समाप्त करते हुए आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि कुछ भी अगर जानकारी इसमें अधूरी रह गई है और आपको मशीन के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे नीचे दिए गए मेरे नंबरों पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और मुझसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और हाँ अगर आप इस बिजनेस मालिक को भी जान के प्राप्त करना चाहते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल है नीचे दिए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और परामर्श करना ना भूलें क्योंकि उनको भी इस बिजनेस का लाभ मिल सके। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।